الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. بسم الله الرحمن الرحيم. जैसा कि पहले अनाउंस हो चुका है कि आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम तकरीबन अराउंड 50 डेज़ का ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला लेक्चर जो है वो 7 जुलाई को होगा। तो ये अनाउंसमेंट जो है पिछली क्लास में हमने कर दिया था, और इस बार भी आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये आज का लास्ट है इंशाल्लाह। इस लेक्चर के बाद हम यहीं से जहाँ से हम इसको छोड़ रहे हैं आज, या जहाँ तक आज मुकम्मल हो पाएगा जंगे उहुद, उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम 7 जुलाई ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों से एक दरख्वास्त ये होगी कि इस दौरान जो पीरियड है उसमें कोशिश करें कि यानी आज के लेक्चर्स और अभी से पहले के तमाम लेक्चर्स जो हैं वो कल अपलोड हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें आप। अगर आपका वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा है तो 1.5x या 2x पे करके भी रिवाइज़ कर सकते हैं। तो 40 मिनट्स का लेक्चर आप 20 मिनट में रिविज़न हो जाएगा, ठीक है। उसमें से भी यानी दौरान लेक्चर अगर आपको लगे कि कोई बात रिपीट हो रही है या कोई चीज़ इंफॉर्मेशन उस लिहाज से आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, तो आप उसको स्किप करके आपके लिए जो मोर रिलेवेंट पार्ट है उस तक भी जा सकते हैं। इस तरीके से पूरा लेक्चर जो है मेरे ख्याल में 15 से 14 मिनट में रिवाइज़ हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लगते हैं, मक्की ज़िंदगी के हों चाहे मदनी ज़िंदगी के हों, मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग जो हैं उसको रिवाइज़ करें इंशाल्लाह ताला, है ना। ख़ुद भी करें और जो लोग इस सिलसिले से जुड़े नहीं हैं उनको भी जोड़ें अपनी फैमिली मेम्बर्स में, और उनको भी इनक्रेज करें इस चीज़ के लिए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन दल्ला अला खैरी, कि जो शख्स खैर की तरफ दलालत करता है या खैर की तरफ लोगों को बुलाता है या रहनुमाई करता है या अच्छी बात की तरफ लोगों को की निशानदही करता है, कमन हुआ फ़ाइलुहु, वो ऐसा है जैसा कि उस खैर को करने वाला। यानी मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो तालीम और तरबियत का काम कर रहा है, और दूसरा शख्स जो है वो दूसरों को उस शख्स की तरफ रागिब कर दे रहा है, तो दावत देने वाले को भी जो है उसके बकदर सवाब मिलेगा। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला की इल्म के काम करने वाले को भी अगर इखलास के साथ करे तो, और जो उस इल्म की तरफ दलालत करे अगर वो इखलास के साथ कर रहा है, तो दोनों को नवाजते हैं और किसी की नवाजिश में कमी नहीं करते हैं, है ना इंशाल्लाह ताला। तो इस बात के साथ आगे चलते हैं। हम लोग जंग उहुद का तذکرہ पढ़ रहे थे, तो हमने पिछली दफ़ा मैप के ज़रिए आपको ये वाज़ह किया था कि किस तरह जो है इनकैम्पमेंट था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और किस तरह बटालियंस थे मुस्लिम फ़ौज के और कुरैश फ़ौज के। तो वो फिर से एक बार अपने जहन में ताज़ा कर लें, स्क्रीन पर ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत अहम है। आम तौर पे हर जंग में ये इतना अहम नहीं होता, लेकिन उहुद की जंग में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। तो ये उहुद की जंग शव्वाल में हुई है, 3 हिजरत के 3रे साल, हिजरत के 3 साल बाद शव्वाल यानी जो रमज़ान के बाद का महीना होता है उसमें हुई है। और बाज़ रवायतों के मुताबिक और थोड़े वसूख के साथ और यकीन के साथ कहा जा सकता है कि 15वीं शव्वाल जो है उसमें ये जंग की इब्तिदा हुई है, जो कि उस साल यानी 3rd हिजरी में सैटरडे पड़ता है। तो सैटरडे मॉर्निंग में रिवायतों में आता है, यानी शनिचर का जो दिन था उसमें ये जंग हुई है। तो जी ये इनकैम्पमेंट अपने जहन में रखें कि ये मेरे कर्सर को ध्यान में रखेंगे। ये बैक में आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का, ये पूरा का पूरा उहुद पहाड़ है और इस तरीके से फैला हुआ है ये, ठीक है। उहुद के एक कॉर्नर में एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का इनकैम्पमेंट यानी मुसलमानों का कैंप यहाँ बनाया गया। आप ज़रा देखें, ये बड़ा ही महफूज मुकाम है कि बज़ाहिर दुश्मन का एक्सेस इस तक नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये एक एक कह सकते हैं कि इनवर्ड पोर्ट्रूडेड स्पेस है उसमें है, तो 3 तरफ से ये प्रोटेक्टेड प्लेस है ना। एक ही ज़रिया है जिसके ज़रिए इस कैंप तक पहुंचा जा सकता है, और उस ज़रिए को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 बटालियंस हैं मुसलमानों के। एक टुकड़ी जो है फ़ौज की, जिनकी जो खजरज यानी जो खजरज के लीडर हैं वो हैं अल हुब्बाब इब्ने अल मुनज़िर रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये इन्होंने खजरज की क़यादत संभाली हुई है,
मुसाब इब्न उमैर जो है वो सेंट्रल जो बटालियन है, ये जो मुहाजरीन का है उसकी कमांडरशिप संभाली हुई है, और उसैद इब्न हुदैर जो औस के कमांडर हैं उन्होंने इस हिस्से को संभाला हुआ है। तो गोया कि तीन टुकड़ी है फ़ौज की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का आम मामूल था, और अरब में भी ये चीज़ राइज थी कि टुकड़ियों में जंग लड़ते थे, यानी पूरी की पूरी फ़ौज जो है एक रैंक में नहीं होती थी बल्कि मुख्तलिफ छोटे छोटे टुकड़ियाँ होती थी, जिससे क्या है कि हर टुकड़ी को कंट्रोल करना आसान है। उस पर एक लीडर होगा तो वो कम से कम अपनी टुकड़ी को सही तरीके से कंट्रोल करके दूसरी टुकड़ी के लिए रीइन्फोर्समेंट का भी काम कर सकता है, मदद भी पहुंचा सकता है, और दुश्मन पे ब्लो भी कर सकता है, यानी दुश्मन पे हमलावर होने में भी एक छोटी टुकड़ी के लिए कंपैरेटिवली आसानी है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज ज़्यादा होंगे, मैनेज करना उनको आसान होगा। तो इस तरीके से ये अरब की जंगी तकनीक थी। चुनानचे हम ये देखते हैं कि मुसलमानों की खास तकनीक नहीं थी, बल्कि कुरैश भी और दूसरे दीगर अरब कबाइल भी इसी तरीके से अपनी फ़ौजों की तरतीब दिया करते थे। ठीक है, फिर मैंने बताया कि इस तरीके से कुरैश की जो तीन बटालियंस थे वो इस तरह थे। जो सबसे राइट मोस्ट बटालियन है वो खालिद बिन वलीद संभाले हुए हैं, लेफ्ट मोस्ट है वो इकरमा, इकरमा जो अबू जहल का बेटा है और इस वक्त काफिर है उसने संभाल रखा है, और खालिद बिन वलीद भी इस वक्त काफिर हैं, और बीच सेंट्रल बटालियन जो है अबू सुफियान ने संभाल रखी है। हमेशा याद रखिए कि जो सेंट्रल बटालियन संभालते हैं और सेंट्रल फ्लैंक को ध्यान रखते हैं, सेंट्रल फ्लैंक की लीडरशिप करते हैं, उनको सबसे बड़ा लीडर माना जाता है उस जंग में। ठीक है, तो यानी जंगी एतबार से, और कुरैश का कैंप यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कुरैश का कैंप एक ओपन स्पेस में है, तो विच इज़ नॉट वेरी सेफ, है ना। एक और चीज़ हम नोट करते हैं कि बावजूद इसके कि फ़ौज की जो तादाद का रेशियो है 4:1 है, यानी हम देखते हैं कि मुसलमानों की कुल तादाद तकरीबन 700 है और कुरैश की तादाद 3,000 के ज्यादा से ज़्यादा है, सो मोर देन 4 टाइम्स, 4 गुने से भी ज़्यादा जो है तादाद है कुरैश की फ़ौज की। इसके बावजूद हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने कुछ इस तरह टेक्निक अपनाई कि लिमिटेड स्पेस में रह के उनको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो, चुनांचे इतनी बड़ी फ़ौज के बावजूद उनको बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, यानी रसूलुल्लाह सम के ऊपर और मुसलमानों की फ़ौज के ऊपर। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी सेट की जाती थी कि जिसमें इस बात का खास ध्यान रखा जाता था कि लैक ऑफ नंबर्स जो हैं वो कभी भी प्रॉब्लम ना बन पाए, यानी लैक ऑफ नंबर्स के साथ अगर अच्छी स्ट्रेटेजी ना हो तो ये भी नुकसानदेह चीज़ होगी, है ना, और आम कायदे कानून के तहत जो है उस फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सम और सहाबा कराम जो हैं वो तदबीर वगैरह बहुत अच्छी करते हैं, तो ये लिमिटेड स्पेस की वजह से, और यानी आप ये देखें कि जो कुरैश की आर्मी को चार्ज करने के लिए स्पेस बहुत कम मिलेगा, मुसलमानों का कैंप है और जब तक कैंप फतह नहीं होगा तब तक जंग जीती नहीं जाएगी, तो ये स्पेस है जिसके थ्रू जो है वो कुरैश की फ़ौज एम्बार्क करते हुए मुसलमानों के कैंप तक पहुंच सकती थी, लेकिन ये स्पेस कंपैरेटिवली लो था, तो बटालियन ही इस तरह सेट किया और कैंप ही इस तरह बनाया कि कुरैश के लिए इसमें दाखिले का चांस मुश्किल हो जाए। उस पर मज़ीद ये किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये छोटी सी पहाड़ी यहाँ पे है जिसको आइनैन, जबल आइनैन कहते हैं, अब इसको जबल रुमात भी कहते हैं, रुमात कहते हैं रमा, रमा से बना है, रमा का मतलब होता है तीर चलाना या फेंक के मारना, तो चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों को यहाँ तैनात किया था तो अब इसको जबल रुमात कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये उस ज़माने में जबल आइनैन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को मामूर किया था कि कुरैश के लश्कर जब किसी वजह से अगर मुसलमानों की फ़ौज कमज़ोर पड़ती है यहाँ पे, तो कुरैश के लश्कर आगे बढ़ता है तो कैंप से पहुँचने से पहले जो है वो ये आर्चर्स ऊपर से तीर बरसाएंगे, तो घोड़े, जाहिर है कि कुरैश के घोड़े जो हैं वो तीरों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और अरब इस बात को जानते थे कि घोड़े जो हैं वो तीरों से बहुत डरते थे। ठीक है, जानवरों की सिफात भी जानते थे अच्छे तरीके से, तो घोड़े चूंकि तीरों से बहुत डरते थे और ये तीर अगर बरसाए जाएंगे तो इनके घोड़े जो हैं बिल्कुल हिम्मत नहीं करेंगे आगे बढ़ने की, बल्कि घोड़ों की सिफत होती है कि जिस इलाके में तीर बरसाया जाए उस इलाके से फिर बिल्कुल पीछे भागते हैं, बिल्कुल उलट भागते हैं। तो इस तरह से तैनात किया था कि अगर इनकी फ़ौज मान लेते हैं कि यहाँ पहुँच भी जाती हैं तो भी इन तीरंदाजी के सबब जो है उनके घोड़े इस बात का मौका नहीं देंगे कि वो इस इलाके को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें सेट की गई थी। ठीक है, अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों को ख़ास हिदायत की थी, जैसे बुखारी मुस्लिम की रवायत में आता है, इब्ने इसहाक इब्ने हिशाम वगैरह सब ने रवायत की इसको, और ख़ास तौर पर बुखारी मुस्लिम वगैरह में रवायत में आता है तो हम ज़्यादा वसूक के साथ कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन लोगों को बड़ी ताकीद फरमाई थी कि तुम देखो कि अगर मुसलमानों ने जंग जीत ली है तो भी अपना मुकाम नहीं छोड़ना, तो भी अपना मुकाम नहीं छोड़ना, बल्कि बाज़ रिवायतों में जैसे बुखारी के अल्फाज हैं कि अगर तुम ये देखो कि मुसलमानों को शिकस्त हो गई है और हमारी फ़ौज को चील कौए खा रहे हैं
तो भी अपनी जगह से ना हटना जब तक कि मैं तुम्हें ना बुलवा भेजूं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तियारतन भी ये बात कही और मजाजी एतबार से भी ये बात कही कि इवन इफ कि मुसलमानों को ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त हो जाए और मुस्लिम फ़ौजों की लाशों को चील कर वे खाने लग जाए तो भी तुम अपने मुकाम से नहीं हटना जब तक कि मैं तुम्हें हुक्म न भेजूँ, ठीक है ना। तो ये बड़ी सख्त ताकीद थी तीरंदाजों को कि जो है वो अपने मुकाम को ना छोड़ें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी जो तदबीर करते थे, प्लान करते थे, तो वो ओछी ओछी हल्की हल्की नहीं करते थे, बल्कि पूरी चीज़ सोच समझ के करते थे। चुनांचे आपको ये अंदेशा था कि अगर मुसलमान फ़ौज फतहयाब हो जाते हैं तो फतहयाब होने के बाद कुरैश अगर भाग निकलते हैं यहाँ से, और ये तीरंदाज ये देख के कि कुरैश भाग निकले और मुसलमानों को फतह हो गई है, अगर यहाँ से उतर के चले आते हैं नीचे, तो कुरैश को भाग के वापस पलट के आने आके हमला करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, ये मैप हट गया, ज़रा मैं फिर से दिखाता हूँ। हाँ, तो ये कुरैश इधर से भागेंगे, जाहिर है मेरे आप कर्सर देख रहे होंगे, तो इधर से भागेंगे और ये तीरंदाज अगर यहाँ से हट जाएंगे तो या तो कुरैश इधर से वापस लौट आ सकते हैं, क्योंकि उनको असल खौफ तो तीरंदाजों से, और अगर तीरंदाज इधर कहीं आ गए हैं, बीच में कहीं मैदान में आ गए हैं, तो ये कुरैश पलट के इधर से वार कर सकते हैं। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते थे। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, या समझाने वाला कोई अगर आपको समझाएगा तो आपको ये बात बहुत ही फितरी लगेगी, लेकिन शायद हम में से अगर तमाम लोग वहाँ मौजूद होते तो किसी के जहन में ख्याल पैदा नहीं होता, क्योंकि एक तो ये कि हम लोग तजर्बेकार भी नहीं हैं, और जो लोग जंग में वगैरह में शामिल नहीं होते हैं वो सिर्फ किताबें पढ़ के जो है जंगी तदबीरें नहीं सीख सकते। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों को का ध्यान रख रहे थे, इसीलिए आपने सख्त ताकीद फरमाई थी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, जब जंग की सुबह हो गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जंग की तैयारी कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जो है मुतबर्रक तलवार निकाली और इरशाद फरमाया कि कौन है जो मुझसे ये तलवार ले और इससे जो है वो जंग करे कुरैश से। तो ज़ाहिर है ये बहुत फजीलत की बात थी, और सहाबा कराम जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से किसी भी चीज़ को लेने में बहुत आगे आगे होते थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी चीज़ को बरकत की खातिर उसको इस्तेमाल करना और उससे फैज़याब होने को बहुत ज़रूरी और बहुत ही सआदत का सबब समझते थे। चुनांचे तमाम सहाबा ने यक ज़बान होकर कहा कि अल्लाह के नबी हमें अता कर दीजिए, हम हैं जो इस तलवार से आपकी तरफ से जंग करेंगे। ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु उन शख्सियात में से हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है इसका मुतालबा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल आप मुझे मौका दें, मैं जो हूँ इस तलवार से जो है जंग करूँगा। तो सारे सहाबा इस पे तैयार थे, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सवाल दोहराया और फरमाया कौन है जो मुझसे ये तलवार ले और इसका हक अदा कर दे। अब जाहिर है कि ये हक अदा करने वाली बात थी ना, तो सहाबा जो थे बहुत हसास लोग थे और बहुत गौर व फिक्र करते थे और अपने नफ्स का खूब मुहासबा करते थे। तो जो आदमी खूब गौर व फिक्र करता है वो चीज़ों की असलियत को ज़्यादा समझ पाता है। यानी अगर हम लोग होते तो हम ये कहते हैं कि हाँ हम हक हक भी अदा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन सहाबा जानते थे कि किसी चीज़ का हक अदा करना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ लेना ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है ना, सिर्फ शौक़ की और जोश की बात नहीं है बल्कि होश की बात है, बहुत गौर व फिक्र के साथ इस चीज़ को अदा करने की बात है। तो सहाबा तमाम के तमाम खामोश हो गए। इस पर अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अनु बहुत मशहूर सहाबी हैं और अपनी शुजात और बहादुरी के लिए बहुत नोन है, वो सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तलवार का क्या हक है। तो फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तलवार का हक ये है कि तुम ये तलवार मुझसे लो और फिर इससे जंग करो यहाँ तक कि ये तलवार टूट जाए। यानी इतनी शिद्दत के साथ इससे जंग करो कि ये तलवार किसी काम की ना बचे। ठीक है, यानी पूरी जोरावरी के साथ उस तलवार से जंग की जाए यहाँ तक कि वो तलवार टूट जाए, ये हक है उस तलवार का। तो अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ मैं इसका हक अदा करूँगा। यानी वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने जो है वो इसके हक अदा करने का ज़िम्मा लिया। बहरहाल अबू दुजाना को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार जो है अता फरमा दी। अबू दुजाना अपनी शुजात के लिए दौरे जाहिलियत में भी बहुत नोन थे, यानी अपनी यानी इस्लाम के आने से पहले भी वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत वेल नोन वॉरियर थे, है ना। तो अबू दुजाना की एक रेपो बनी हुई थी, एक रेपुटेशन बनी हुई थी कि जो है वो ही इज़ द फाइटिंग मशीन, है ना। तो बसा अवकात क्या होता था कि किसी जंग में वो शामिल होते थे तो उनके पास एक लाल कलर की पगड़ी होती थी, लाल कलर के कपड़ा होता था जिससे वो अमामा बनाते थे। तो जब जंग बहुत शिद्दत अख्तियार कर लेती थी तो अबू दुजाना जो है वो जो लाल सुर्ख पट्टी थी उसको बांध लेते थे अपने सर पे, और उस पट्टी को मौत की पट्टी कहा जाता था। यानी अरब में आम तौर पे मशहूर था कि अबू दुजाना जब मौत की पट्टी बांध लें तो फिर बिल्कुल जंग से पीछे नहीं हटते, यहाँ तक कि उनकी मौत या तो मौत होने वाली हो तो मौत हो जाएगी या वरना वो अपने दुश्मन को शिकस्त दे देंगे।
है ना, इससे पहले वो पीछे नहीं हटेंगे। तो बहुत शिद्दत के मौके पे अबू दुजाना वो अपनी सुर्ख रंग की पट्टी जो है पहना करते थे। इस मौके पे भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तलवार अता की तो उन्होंने वही सुर्ख पट्टी निकाली अपनी और अपने सर पे बांध लिया। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है यहाँ पे, ज़रा नोट कीजिए कि उनका ये अपने सर पे पट्टी बांधना, में से किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि ये पट्टी बांधना बिदत है ना। क्यों? क्योंकि अबू दुजाना ने किसी दीनी नीयत से ये पट्टी नहीं बांधी थी सुर्ख कलर की, बल्कि वो दौरे जाहिलियत में उनका एक रेपो बना हुआ था, एक रेपुटेशन बना हुआ था कि ये सुर्ख पट्टी को देख के दुश्मन भी समझ जाता था कि अरे अब तो भाई खैर नहीं है, अबू दुजाना जो है वो बिल्कुल मौत के लिए लड़ेगा, मौत से बिल्कुल बेखौफ होकर लड़ेगा। तो ये दुश्मन के ऊपर एक रौब तारी होता था, तो इस वजह से अबू दुजाना ने इस चीज़ को अख्तियार किया। किसी सहाबी ने, यानी उनका दीन का फहम जो है और बिदात और सुन्नत वगैरह का फहम जो है उनका बहुत ही आला था, बहुत आला था, बहुत ज़बरदस्त था, इसके बावजूद उन्होंने से किसी ने अबू दुजाना को ये नहीं कहा कि तुम ये जो सुर्ख पट्टी बांध रहे हो ये बिदत है ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सब ने सुर्ख पट्टी नहीं बांधी, लिहाजा तुम अगर बांध रहे हो तो बिदत है। तो इस तरीके से बिदत को वो क्लासिफाई नहीं करते थे। किसी सहाबी ने ये भी नहीं समझा कि अबू दुजाना जो है बरकत के खातिर पहन रहे हैं, अगर बरकत के खातिर उस सुर्ख पट्टी को पहनते तो फिर ये बिदत हो जाती है ना, क्योंकि बरकत जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों में है, या अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ों में है, या अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे चलने वाले लोगों की चीज़ों में है ना, यानी औलिया सालेहीन की चीज़ों में, इनमें बरकत अल्लाह ताला ने रखी होती है। लेकिन इसके मा सिवा किसी चीज़ में खुद अपने ख्याल से तसव्वुर कर लेना कि इस चीज़ के अंदर बरकत है और ये चीज़ बड़ी मुतबर्रक है, तो इस तरह का तसव्वुर जो है ये बिदअत का दरवाज़ा खोल देता है ना। तो अगर अबू दुजाना ये स्याह सुर्ख जो सुर्ख पट्टी है वो इसलिए पहनते कि इससे उनको ताकत मिलती है या इससे उनकी कुव्वत में इजाफा हो जाएगा, तो फिर बहरहाल ये गलत चीज़ हो जाती। लेकिन अगर उन्होंने इसलिए पहना कि इसके ज़रिए से उनका एक रेपो है, वो बेल्ट हो चुका है और दुश्मन पे इससे हैबत तारी होती है, दुश्मन ये जान जाता है कि अबू दुजाना मौत से पहले रुकने वाला नहीं है, तो इसको बिल्कुल भी बिदअत नहीं कहा जाएगा, बल्कि जंगी मौके पर इस तरह की तदबीर जो है वो तदबीर नाफ़े कहलाती है, बेनिफिशियल मेथडोलॉजी कहलाएगी। उसके बाद अबू दुजाना जो है उसके बाद अबू दुजाना रजी अल्लाह अनहु जो है वो सुर्ख पट्टी बांध के सफ़ों के दरमियान जो है बहुत ही झूम झूम के और फ़ख्र से चलने लगे, यानी अपनी कुव्वत का इजहार करने लगे। तो इस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को इस तरह से चलना जो है इंतहाई नापसंद है, सिवाय इस मौके पर, यानी सिवाय जंग के मौके पे, जब इस तरह से चल के इंसान फ़ख्रिया तौर पे चले और मकसद उसका अपने ताकत का इजहार नहीं हो बल्कि दुश्मन के दिल में रोब पैदा करना हो, तो इस तरह से फ़ख्रिया चलना जो है वो फिर बुरा नहीं है, उसकी इजाज़त है ना जंग के मौके पर। लेकिन अगर कोई शख्स इस तरह फ़ख्रिया चले और फ़ख्रिया चाल चलने में उसके दिल में ये ख्याल हो कि मैं कोई शय हूँ, मैं कोई हस्ती हूँ, तो फिर ये कतान हराम होगा। ठीक है, तो अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु की इस चाल का मकसद ये था कि कुरैश के दिल में एक हैबत तारी हो जाए कि अब अबू दुजाना जो है वो अपनी उसी चाल में चल रहे हैं जिस तरह वो दुश्मन के खिलाफ जो है ताबड़तोड़ टूट पड़ते हैं। तो और फिर उन्होंने सुर्ख पट्टी भी इसीलिए पहनी थी। तो ये मकासद से वाकफियत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह का चलना जो है, यानी आम तौर पे ये हैयत जो चलने की है, ये अल्लाह ताला को नापसंद है, सिवाय जंग के मौके पर, सिवाय ऐसे मौके पर जब मकसद हो कि अल्लाह ताला के दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा किया जाए, यानी गोया कि इस तरह का चलना भी अल्लाह ताला के खातिर है, ये कुव्वत का इजहार भी अल्लाह ताला के दीन की हमीयत में है। तो ऐसे मौके पर कुव्वत का इजहार बुरा नहीं है, बल्कि बास मौके पर ज़रूरी समझा गया है, अच्छा समझा गया है, यानी पार का डिस्प्ले जो है, कुव्वत का इजहार जो है, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वाले या अल्लाह ताला से कुफ्र करने वाले या अल्लाह ताला के दीन के मुखालिफिन के दिल में इस्लाम का एक रौब पैदा हो, है ना, वो डिस्प्ले ऑफ पावर जो है ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये मतलूब है, मकसूद भी है, यानी कम्युनिटी लेवल पे। चुनांचे शाह वलीउल्लाह दहलवी जो है वो हज के असरार और रमूज़ में जब लिखते हैं तो कहते हैं कि हज का जो इतना बड़ा इज्तिमा है जिसके करोड़ों फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है कि इतना बड़ा इज्तिमा जो है और तमाम लोगों को एक तरीके से आमाल करते करना और एक कुव्वत के साथ, एक यानी अस्करी कुव्वत कुव्वत के साथ जो है एक जगह पे जमा होना, ये गोया कि अल्लाह ताला के दुश्मनों के दिल में रौब का भी सबब होगा। तो इस वजह से भी जो है हज को मशरू किया गया, हालांकि बहुत सारे और भी मसाले हैं और मकासद हैं, लेकिन उनमें से एक जो जो जिसको कहिए कि मजमूई तौर पे ऑब्जेक्टिव है हज का, वो ये है कि इसके ज़रिए जो है आम यानी दुनिया में और कुफ्रिया कुव्वतों के ऊपर
मुसलमानों की क़ुव्वत का और अहले इस्लाम की क़ुव्वत का और अहले ईमान के इज्तिमा का एक रोब और ज़ोर कायम। लिहाजा इज्तिमाई ज़ोर और इज्तिमाई रोब का कायम करना ये शरीयत में मज़मूम बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि बसा औक़ात मतलूब है ना। अलबत्ता इंडिविजुअल लेवल पे इंसान को अपनी क़ुव्वत और अपने शान व शौकत वगैरह का इजहार ये बहुत ही बुरा माना गया है। समझ रहे हैं फ़र्क को समझिए कि बाज़ चीज़ें जो है वो इज्तिमाई सतह पे सही हैं और इनफरादी सतह पे बुरी हैं। यानी इज्तिमाई सतह पे इस्लाम और मुसलमानों की क़ुव्वत का इजहार और उनकी क़ुव्वत पे फ़ख्र करना ये अच्छा है, और इनफरादी सतह पे ये समझना कि मैं कोई शय हूँ, मैं कोई हस्ती हूँ, मेरे पास कुछ क़ुव्वत है, ये इंतहाई मज़मूम और बुरा है। ठीक है ना। तो बस बाज़ अखलाकी अकदार जो हैं और बाज़ अखलाकी कदरें जो हैं वो इज्तिमाई सतह पे अलग हैं, बाज़ मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कम्युनल लेवल पे अलग हैं, कम्युनिटी के लेवल पे अलग हैं और इंडिविजुअल लेवल पे अलग हैं। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए, ये बहुत बारीक बातें हैं, आपको कोई पिन पॉइंट करके इतनी आसानी से नहीं बता सकता कि कौन से वो अखलाकी पैमाने हैं, कौन से वो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं जो कम्युनिटी लेवल पे तो अच्छे हैं, इनफरादी लेवल पे बुरे हैं। उनका एक एग्जांपल मैंने दिया, लेकिन जैसे जैसे आपका दीन का फहम बढ़ेगा और आप जो हैं वो अइम्मतुद्दीन की किताबें पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि बाज़ ऐसे अखलाकी पैमाने हैं जो इनफरादी सतह पे अलग हैं, यानी इंडिविजुअल लेवल पे अलग हैं और कम्युनिटी लेवल पे अलग हैं। ठीक है, बहरहाल ये एक मसला था जो मैंने बयान किया, आगे चलते हैं। अब कुरैश की ये ख्वाहिश थी कि चूंकि मुसलमानों का लश्कर ऑलरेडी 300 का बटालियन उसमें से वापस जा चुका है और 700 का लश्कर बचा है, कुरैश जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ चाह रहे हैं कि ये जंग किसी तरह जीत ली जाए। तो कुरैश ने सबसे पहले ये कोशिश की कि अबू सुफियान ने एक अपना कासिद भेजा, एक पैसेंजर भेजा, एक पैगाम पहुंचाने वाले को भेजा कि जाओ और ऐलान कर दो, यानी मुसलमानों की फ़ौजों के सामने पहुंच के ऐलान कर दो कि ए मदीना वालों, हमें तुमसे जंग करने की कोई ख्वाहिश नहीं है, हमें तो जंग जो है वो महाजरीन से करनी है, हम तो इनके खून के प्यासे हैं, हम तो इनसे जंग करना चाहते हैं, तुमसे हमारा कोई सरोकार नहीं है, लिहाजा तुम अलग हो जाओ। गोया इस तरीके से वो अंसार और महाजरीन के दरमियान फूट डालना चाह रहे थे और अंसार के दिल में जंग से बेरगबती पैदा करना चाह रहे थे, ताकि अंसार के दिल में एक चीज़ पैदा हो जाए कि हाँ भाई हम लोग अलग हो जाते हैं, इनका आपस का झगड़ा। तो कुरैश ने कहा कि कुरैश अबू सुफियान ने भेजा था कासिद, और उसका मकसद ये था कि ये इन्फॉर्म किया जाए कि हमारा मदीने वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी आप जिस दीन पर चलना चाहें चलें, ठीक है, हमें प्रॉब्लम है महाजरीन से जो मक्का से भाग के आए, हमें उनसे दिक्कत है, लिहाजा हमें उनसे लड़ने दिया जाए और अब मदीने वाले से अलग हो जाएं। जाहिर है कि अंसार की गैरत जो थी और अंसार की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जो मोहब्बत थी और अंसार के दिलों में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेआनत की चाहत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़ुद को फना और फिदा करने का जज्बा था, वो कहाँ इस बात को गवारा कर सकता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महाजरीन को छोड़ दिया जाए कुरैश के हवाले। चुनांचे उनकी गैरत ईमानी जो है वो जाग उठी और उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से अबू सुफियान को जवाब दिया और इतनी बुरी तरीके से डांट के कासिद को भगाया कि अबू सुफियान और उस कासिद को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। और बसा औकात जंग के मौके पे बास तल्ख और सख्त कलिमात का इस्तेमाल करना अल्लाह के दुश्मनों के लिए जायज़ है, जो आम सूरतों में जायज़ नहीं हो, यानी आम सूरतों में वैसे अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो एक मोमिन के शायन व शान नहीं है, लेकिन जंग के मौके पर बसा औकात इसकी इजाज़त है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि बाज़ जंगी कवायद और कानून अलग होते हैं। ठीक है, तो ये मसला मतलब अपने जहन में रखिए कि किस तरह अंसार जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़ुद को फना और फिदा करने के लिए हर वक्त जो है दर पे रहते थे। चुनांचे ये तो अबू सुफियान का प्लान फेल हो गया। अब मक्के में ही एक और शख्स था जिसका नाम था अबू आमिर अल राहिब, अबू आमिर अल राहिब, अबू आमिर अल राहिब जो था ना, ये असल में मक्के का बाशिंदा नहीं था, ये मदीने का रहने वाला था, ये औस कबीले से इसका ताल्लुक था और ये औस कबीले के बड़े लोगों में से था इस्लाम के आने से पहले, है ना। इस्लाम के आने से पहले जिस तरह अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल जो है वो मदीने के बड़े लीडर्स में से था, उसी तरह अबू आमिर और राहिब जो है मदीने के बड़े लीडर्स में था और ख़ास तौर पर औस में इसकी बड़ी कदर की जाती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई मदीने के अंदर तो इसको अपनी लीडरशिप भी की पड़ती दिखाई दी और इस्लाम के गलबा देखा और सुबह शाम सुबह से लेकर शाम तक इसकी सारी, यूँ समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख्तियारात वसीतर होते चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जो है मदीने वाले अहले मदीने मती और फरमाबरदार होते चले गए। ये चीज़ इसको बर्दाश्त नहीं हुई और इसको ये बात पसंद नहीं थी कि इस्लाम कबूल करे, चुनांचे इसने अपने चंद फॉलोअर्स को, औस में से अपने चंद फॉलोअर्स को लेके ये रवाना हो गया और मक्के में जाके रहने लगा। यानी ये असल में मक्के का बाशिंदा नहीं था, मदीने का था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुग्ज़ में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ़रत में मक्के में जाके कुरैश के साथ रहने लगा।
जंगे उहद के मौके पे ये कुरैश की तरफ से लड़ने आया था, ठीक है। अबू आमिर अर राहिब, राहिब कहते हैं मोंक को, है ना, राहिब कहते हैं जो इबादत में बहुत इन्हमाक रखता हो। चुनांचे ये शख्स जो है मदीने में अपने उनके तसव्वुरात और ख्यालात के मुताबिक जो है बड़ा इबादत गुजार तसव्वुर किया जाता था। बहरहाल अबू आमिर राहिब ने अबू सुफियान से कहा कि तुम परेशान ना हो, यानी इसके जहन में तो वही जाहिली तसव्वुरात है ना, इसके जहन में तो वही चीज़ें हैं कि औस में जो मेरी अहमियत है और मैं औस का सरदार हूँ और मैं ये हूँ और वो हूँ और मोहम्मद का खात्मा होते ही जो है मैं फिर से औस में अपनी पोजीशन पा लूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा जो है वो इस बात का मुंतजर था कि कुरैश जो है चढ़ दौड़ें और रसूलुल्लाह सम को कत्ल कर दें माअज़ल्लाह, और इस तरीके से औस के ऊपर दोबारा से इसकी हुक्मरानी कायम हो जाए। तो अबू आमिर राहिब ने अबू सुफियान से कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं अपनी कौम से औस से जाके बात करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी कौम जो है मेरी बात मान लेगी और मोहम्मद को तुम्हारे हवाले कर देगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके जहन में जो अताअत का और दोस्ती का और लॉयलिटी का और एलिजियंस का के वो तसव्वुरात थे, जो जाहिली तसव्वुरात थे कि एक कबीले वाला जो है वो अपने कबीले वाले की नुसरत करता था चाहे उसके कबीले वाला खता पर क्यों ना हो, और वो अपने से कबीले के मुखालिफ आदमी अगर हक़ पे भी हो तो उसकी बात की इत्तेबा नहीं करता था। तो ये वो पैमाने थे जो हर ज़माने में रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन आज इनका यानी आज इनका दारोमदार कबाइल पे नहीं है बल्कि नेशन स्टेट पे है। यानी अब जो है वो चूंकि बैनुल अक्वामी निज़ाम दुनिया के अंदर कायम हो गया है, इंटरनेशनल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, तो इसमें जो है वो कबीले से ऊपर उठ के जो है ये एलिजियंस और लॉयलिटी का मामला जो है वो नेशन स्टेट तक है। यानी हर नेशन स्टेट ये डिमांड करता है कि हक व बातिल के तमाम पैमाने जो हों वो ताबे हो जाएं उस नेशन के मुफाद और नुकसान के, यानी उस नेशन के लिए जो चीज़ बेनिफिशियल है वो हक है और जो चीज़ बेनिफिशियल नहीं है वो बातिल है। यही तसव्वुरात छोटे स्केल पर पहले भी मौजूद थे, अब ये बहुत ही इनलार्ज्ड और बहुत ही यूँ कह लीजिए कि ग्लोरीफाइड और बहुत ही ग्लोबलाइज्ड स्केल पर ये चीज़ मौजूद है, लेकिन उस ज़माने में भी चीज़ मौजूद थी कबाइली असबियत के फॉर्मेट में। तो अबू आमिर के जहन में वही बातें हैं, वो जाता है अंसार के पास, कहता है कि औस के लोगों ये मैं हूँ अबू आमिर अर्राहिब तुम्हारा सरदार। उसने इतनी सी बात कही थी कि अंसार जिनके दिल जो हैं वो ईमान से मुअत्तर और मनव्वर हो चुके थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के आगे हर किसी की मोहब्बत उनके नज़दीक हेच हो चुकी थी, और ख़ास तौर पर ऐसा शख्स जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बौज़ की वजह से मक्के में जाके क़याम पज़ीर हो गया, अंसार के कुलूब कहाँ इस बात को कबूल करते कि वो जो है ऐसे शख्स की इज्जत करते। चुनांचा अंसार ने अबू आमिर की पूरी बात भी पूरी नहीं होने दी और कहा कि बहुत ही सख्त अल्फाज में अबू आमिर को रद्द किया और कहा कि मा अंत अबू आमिर अर राहिब बल अंत अबू आमिर अल फासिक, कि तुम अबू आमिर अर राहिब नहीं हो, तुम अबू आमिर इबादत गुजार नहीं हो बल्कि तुम अबू आमिर अल फासिक हो, तुम अबू आमिर गुनहगार हो, खुले गुनहगार हो, अल्लाह के नाफरमान हो, अल्लाह के बागी हो। लिहाजा अंसार ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। और इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि जब ईमान दिलों में दाखिल हो जाता है तो फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफ हर चीज़ से फिर बग़्ज़ पैदा हो जाता है, गोया कि महबूब के मुखालिफ से बग़्ज़ का पैदा हो जाना महबूब के साथ मोहब्बत की बहुत बड़ी दलालत होती है, बहुत बड़ी दलील होती चुनांचा अंसार ने अपने ईमान के बिना पे अबू आमिर को धुतकार दिया और अबू आमिर जलील होकर वापस से कुरैश के पास चला गया। अच्छा, नोट करने वाली बात यह है कि अबू आमिर जो अर्राहिब था ये तो कुरैश के साथ था, ये काफिरों के साथ था और ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ था, और इसी का बेटा, इसी के बेटे हैं हज़रत हंजला रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो बहुत मशहूर सहाबी हैं, बहुत मशहूर सहाबी हैं और जिनको गसीलुल मलाइका भी कहा जाता है, यानी जिनको फरिश्ते ने गुस्ल दिया था, उनका वाक़िया भी उहद के कॉन्टेक्स्ट में आगे आएगा। तो इनके बेटे हंजला जो है वो इसी जंग में शहीद होते हैं और बहुत बुलंद मकाम जो है शहादत में पाते हैं, और इनका जब वाक़या आएगा तो हम इंशाल्लाह इनकी तफसीलात और इनकी फ़ज़ाइल बयान करेंगे। तो किस तरह अल्लाह ताला जो है अपनी हिदायत के लिए चुनता है कि हंजला को अल्लाह ताला ने कितना बुलंद मकाम अता फरमाया, अबू आमिर जो है उसकी मौत जो है कुफ्र पे होती है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला की अपनी हिदायत और जलालत और हिदायत और गुमराही के पैमाने में किसी दूसरे अकदारों का पाबंद नहीं है, है ना। दूसरी चीज़,
किसी शख्स को ये नहीं समझना चाहिए कि अगर इस वक्त मुझे हिदायत मिली हुई है तो अगले लम्हे भी मुझे हिदायत मिली रहेगी, यानी हर आने वाले लम्हे में वो कामिल तौर पे अल्लाह ताला की हिदायत का मोहताज। और किसी फासिक शख्स को ये ना समझना चाहिए कि अगर वो अभी है तो हमेशा इसी जैसा रहेगा, क्योंकि इंसान जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिखवातिमिहा, कि अमाल का दारो मदार जो है वो उसके अख्ताम पे, यानी जो शख्स जो है ज़िंदगी में अगर उसने काफ़ी गुनाह कर भी लिए और मौत से पहले पहले यानी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पहले उसको तौबा की तौफीक मिल गई अल्लाह की तरफ से। असल बात यह है कि तौबा की तौफीक मिलनी चाहिए। अगर हम ये इरादा करके बैठे कि हम मौत से पहले तौबा कर लेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि तौबा की तौफीक मिले, बल्कि तौबा को मुअख्खर करने की वजह से ऐन मुमकिन है कि तौबा की तौफीक ना मिले। लेकिन अगर किसी के बारे में अल्लाह ताला खैर का इरादा फरमा लेते हैं तो फिर उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देते हैं। तो चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, बुखारी में ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु, उस ज़ात की कसम जिसके जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, इन अहदकुम यअमलु बिअमली अहलिल जन्नत हत्ता मा यकुन बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराउन, कि तुम में से एक शख्स जो है वो अहले जन्नत वाले अमल अपनी ज़िंदगी भर करता रहता है करता रहता है करता रहता है, यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान जो है एक बालिश के बराबर या थोड़ा सा फासला रह जाता है। ठीक है, यानी वो इतने नेक अमल करता है कि जन्नत के बहुत करीब पहुँच जाता है और अपनी ज़िंदगी के आखिर दौर में वो तक वो ये काम करता रहता है। फिर आगे फरमाते हैं फ़यस्बिकु अलैहिल किताब, फिर अल्लाह ताला की तकदीर उसके ऊपर गालिब आ जाती है, फ़यअमलु बिअमली अहलिन नार फ़यदखुलुहा, और फिर उसके बाद जो है अल्लाह की तकदीर बसा औकात उस शख्स पे गालिब आ जाती है और वो जहन्नमियों वाले अमाल करने शुरू कर देता है अपने अखीर ज़माने में, और फिर वो उसमें जहन्नम में दाखिल हो जाता है ना। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। और दूसरे किस्म के लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन अहदकुम यअमलु बिअमली अहलिन नार, कि तुम में से एक शख्स जो है वो जहन्नमियों वाले अमल करता रहता है, हत्ता मा यकूनु बैनहू व बैनहा इल्ला ज़िराउन, यहाँ तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान बहुत थोड़ा सा फासला बचा रह जाता है, यानी इतने बुरे अमाल उसने किए होते हैं। फ़यस्बिकु अलैहिल किताब, और उसके फिर अल्लाह ताला की तकदीर बसा औकात उसके ऊपर गालिब आ जाती है, फ़यअमलु बिअमली अहलिल जन्नत, और फिर वो अहले जन्नत वाले अमाल करने शुरू कर देता है, फ़यदखुलुहा, और उसमें दाखिल हो जाता है यानी जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो किसी शख्स को भी पूरे वसूख और गारंटी के साथ और यकीन के साथ नहीं कह सकता, अगले लम्हे के बारे में नहीं कह सकता, जन्नत तो बहुत दूर की चीज़ है जहन्नम तो बहुत दूर की चीज़ है, अगले लम्हे के बारे में नहीं कह सकता कि वो हिदायत पर कायम। ठीक है, तो इसलिए इंसान को हमेशा डरते रहना चाहिए कि अगर इस वक्त हिदायत मिली है क्या पता अगले लम्हे ना मिले, क्या पता मेरी किसी बदबख्ती की वजह से मुझसे हिदायत ही सलब कर ली जाए। ठीक है, और किसी गुनाहगार शख्स को ये नहीं समझना चाहिए कि अब तो हो गया मेरा, अब तो इतने गुनाह कर लिए अब तो कभी वापस जा नहीं सकते, चलो इसी दुनिया को अच्छे से जीते हैं इंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई शख्स सच्ची तौबा कर ले तो उसके गुनाह जो है फिरौन से ज़्यादा क्यों ना हो जाए, अल्लाह ताला के लिए माफ़ करना कोई मुश्किल बात नहीं है, अल्लाह ताला को बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर बंदा सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद आती है, और अहादीस में बहुत कसरत से मज़मून गुजर चुका है, ये मौका नहीं है वरना इस पर बयान किया जा सकता था आगे। बहरहाल जंग अपनी तेज़ी पकड़ती है और अली इब्न अबी तालिब और तलहा इब्न अबी तलहा के दरमियान मुबारजा होता है। मुबारजा मैंने बताया कि जंग से पहले जो है वो दोनों फरीक के जो अच्छे फाइटर्स होते हैं वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, तो 1-to-1 ये फ़ाइट होती है। तो हमने बद्र में भी देखा था कि ये 1-to-1 फ़ाइट हुई थी, और उहद में भी हम देखते हैं कि मुबारजा होता है, लेकिन उहद में सिर्फ दो लोगों के दरमियान होता है, एक अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु और तलहा इब्न अबी तलहा। ये तलहा वो नहीं है जो सहाबी मशहूर तलहा है ना, वो तलहा जन्नती सहाबी हैं, ये काफिर है। ठीक है, तो ये तलहा इब्न अबी तलहा जो है कुरैश की तरफ से आता है और इसने सबसे पहले चैलेंज किया कि कौन है जो मेरा मुकाबला करे। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु जो अपनी शुजात के लिए अपनी बहादुरी के लिए अपनी कद्दावरी के लिए मशहूर थे, हालांकि बहुत मोटे तगड़े आदमी नहीं थे, पतले दुबले थे, लेकिन वो अपनी फाइटिंग स्किल में इंतहाई माहिर थे। ठीक है, तो अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ने कहा कि मैं मुकाबला करूँगा। अच्छा, तलहा इब्न अबी तलहा का मामला यह था कि सर से लेके पाँव तक उसका एक नाखून भी विजिबल नहीं था, यानी उसने इस तरह से आर्मर पहन रखा था पूरी बॉडी के ऊपर कि जिस्म का कोई हिस्सा एक्सपोज नहीं था, इतनी प्रोटेक्शन के साथ वो आया था। और अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह के बारे में आता है कि सर पे एक पगड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था, एक पतला कुर्ता था, ठीक है, और सर पे एक पगड़ी थी और हाथ में एक तलवार थी। तो इस तरीके से वो पहुंचते हैं और मुकाबला होता है, और पहला वार तलहा इब्न अबी तलहा करता है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी ढाल से उस वार को रोक लेते हैं, और फिर एक ज़बरदस्त वार करते हैं इस तरीके से कि जो उसका पैर होता है पूरा कमर के पास से उसका पैर कट जाता है,
और वो शिद्दते तकलीफ़ में वहीं पे गिर पड़ता है और मौत के करीब होता है। अली रज़ी अल्लाह उसके खात्मे के लिए उसके ऊपर तलवार उठाते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगता है। कि तलहा इब्ने अबी तलहा कहता है कि मैं तुमसे जो है रिश्तेदारी के वास्ते सवाल करता हूँ कि मुझे कत्ल ना करो, है ना। तो ये कहाँ वो अपनी ताकत और कुव्वत के घमंड में और गुरूर में जो है वो अकड़ता हुआ पहुँचता है, और कहाँ हज़रत अली और इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह उन्हों के एक वार के बाद जो उसकी आलम ये हो जाता है कि वो गिर गिरा के हज़रत अली से अपनी जान की भीख मांग रहा है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्होंने जान लिया था कि अब ये शख्स ज़िंदा नहीं बचेगा, तो अगर इसे कत्ल ना भी किया जाए तो कुछ वक्त बाद खुद ही मर जाएगा। उस वक्त चूंकि उसने कहा कि मैं मक्का से हूँ, तुम भी मक्का से हो, और 3 जनरेशन से यानी 3 जनरेशन सेपरेशन के साथ उन दोनों में रिश्तेदारी भी थी, तो हज़रत अली को रहम आ गया, उन्होंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, बहरहाल कुछ वक्त बाद जो है तलहा इब्ने अबी तलहा का इंतकाल हो गया। इस यानी इस फतह के बाद, हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन्हों के इस मुबारजे में फतह के बाद जो है मुस्लिम आर्मी ने कुरैश के ऊपर हमला कर दिया, और जो है वो इतनी ज़ोरदार हमला किया कि कुरैश के बटालियन जो हैं वो तीनों जो फ्लैंक्स थे कुरैश के उसमें ज़बरदस्त तहलका मच गया। और कुछ ही वक्त में जो है हज़रत हमजा और हज़रत अली ख़ास तौर पे और अबू दुजाना, ये तीन हज़रात ने इतनी बुरी तरह चार्ज किया कि कुरैश के कदम उखड़ गए और बड़ी बुरी तरह जो है उनके आदमी कत्ल होने शुरू हो गए। और ख़ास तौर पर मैं आपको बयान कर दूँ, बनू अब्दुद्दार ही वो कबीला था जो कुरैश में कुरैश के फ्लैग बियरस होते थे, यानी वो झंडा उठाया करते थे। झंडे के ताल्लुक से चंद बातें मैंने बदर के कॉन्टेक्स्ट में भी बयान की थी, एक आध बातें यहाँ भी सुन लीजिए कि फ्लैग की बड़ी अहमियत होती थी उस ज़माने में जंग में, कि जो फ्लैग होते थे ना वो हमेशा ऊंचा रहना ज़रूरी है, और फ्लैग का ऊंचा रहना फ़ौज के बाकी रहने का सबूत होता था। यानी अगर फ्लैग गिर जाए किसी फ़ौज का और कोई उसको उठाने वाला ना हो तो ये तस्लीम कर लिया जाता था कि ये फ़ौज अब हार चुकी। ठीक है, ये कायदा मारूफ था अरब के अंदर। तो फ्लैग बियरर्स जो है वो कुरैश का एक रस्म थी कि उनके फ्लैग बियरर्स बनू अब्दुद्दार के लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो बनू अब्दुद्दार बदर में भी कुरैश के फ्लैग बियरर्स थे, उहद में भी थे। बदर में जब मुसलमानों को ने इब्तदाई हमला किया तो बनू अब्दुद्दार के जो फ्लैग बियरर्स थे ना वो उन्होंने फ्लैग वगैरह छोड़ छाड़ के भाग गए, बदर की बात बता रहा हूँ। तो इसके सबब जो है वो कुरैश में और तहलका मच गया और ये आज बहुत ही अर्ली ऑन ये तस्लीम कर लिया गया कि कुरैश जंग हार चुके हैं बद्र में। ये मौका था उहद में, और ये गलती नहीं रिपीट करना चाहता था अबू सुफियान। तो अबू सुफियान ने आके बनू अब्दुद्दार से कहा कि देखो ऐसा है, अगर तुमसे ये नहीं हो पाएगा, अगर तुम इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकती हो और बद्र की तरह दोबारा जो है भाग पड़ खड़े हो गए तो ये हमारे हवाले कर दो, है ना, ये हम संभालेंगे फ्लैग, लेकिन तुम जो हो ये ना करो, और अगर इसको संभालते हो तो फिर इसका हक अदा करो। जाहिर इस चीज़ से जो उनके अंदर एक जाहिली असबियत जाग उठी और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल हम ही संभालेंगे और देखते हैं कैसे हम भागते हैं। और हुआ भी यही कि आखिर तक जो है बनू अब्दुद्दार में 10 लोग थे, उनके कबीले में 10 लोग आए थे इस जंग में और वो फ्लैग बियरर्स थे, तो एक के बाद एक जो है वो 10 के 10 कत्ल होते चले गए, और जब 10वां शख्स भी कत्ल हो गया तो इनका फ्लैग जो है गिर गया। अच्छा, इसमें ख़ास रोल जो है वो हज़रत हमजा इब्न अबी अब्दुल मुत्तलिब का है। हज़रत हमजा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, और अपनी शुजाअत में सबसे ज़्यादा यानी सहाबा में मेरे कलील इल्म के मुताबिक मैंने शुजाअत के फ़ज़ाइल जो हैं और शुजाअत के वाक़यात जो हैं हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़्यादा किसी के नहीं पढ़े। यानी हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु जिस तरह के फियर्स यानी फ़ाइटर थे और अपनी शुजाअत के लिए जिस तरह नोन थे, वैसे किसी और के बारे में वाक़यात उतनी कसरत से नहीं मिलते। ठीक है, तो अब बनू अब्दुद्दार को ख़ास तौर पे हज़रत हमजा टारगेट कर रहे थे और देख रहे थे कि जो भी फ्लैग बियरर्स होता था उसको जाके कत्ल कर देते, और 10 के 10 को हज़रत हमजा ने अकेले कत्ल कर दिया। तो बनू अब्दुद्दार का खात्मा हो गया हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए, और फ्लैग जो है उनका गिर पड़ा। अच्छा, बाद वाक़यात और आते हैं इस जंग के अंदर इब्तदाई दौर में, जैसा कि ज़ुबैर इब्न अल अवाम बयान करते हैं, रिवायत करते हैं कि आपको याद होगा कि ज़ुबैर इब्न अल अवाम वो पहले शख्स थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलवार तलब की थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमू में कहा था कि कौन है जो मेरी तलवार लेगा, तो सारे सहाबा ने कहा था कि मैं लूँगा, लेकिन सबसे पहले जिसने कहा था वो ज़ुबैर इब्न अल अवाम थे रज़ी अल्लाह अन्हु, जन्नती सहाबी है ना, अशरा मुबशरा में। तो ज़ुबैर इब्न अल अवाम ने कहा था, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हक़ की बात की थी तो अबू दुजाना ने आगे बढ़ के जो उसको कबूल किया था। तो ज़ुबैर इब्न अल अवाम फरमाते हैं कि कई साल बाद ये रिवायत बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लम ने जो है तलवार अबू दुजाना को दी तो मेरे दिल में थोड़ा सा वो तकलीफ़ महसूस हुई उससे। तकलीफ़ एक फितरी तकलीफ़, ना कि रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में कोई बदगुमानी, माज़ अल्लाह वो तो कुफ्र हो जाएगा। यानी एक चीज़ पैदा हुई कि काश मुझे मिल जाती। ठीक है,
तो ये चीज़ उनके दिल में थी। तो फरमाते हैं कि मैं देखना चाहता था कि अबू दुजाना को जो दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ज़रूर इसके पीछे कोई हिकमत होगी। यानी इससे भी समझ में आता है कि उनके दिल में ये था कि अबू दुजाना को दिया है तो कोई ख़ास बात ज़रूर होगी अबू दुजाना के अंदर। तो फरमाते हैं कि मैं अबू दुजाना के जंग लड़ने के अंदाज़ पर गौर कर रहा था और मैं देख रहा था कि अबू दुजाना किस तरह लड़ते हैं। चुनांचे मैं जंग में देखता था कि जो भी शख्स अबू दुजाना के सामने आता था वो उनकी गर्दन उतार देते थे। यानी कोई शख्स भी जो है कुछ लम्हे भी अबू दुजाना के सामने नहीं टिक पाता था। यहाँ तक कि अबू दुजाना जो है कुरैश की, यानी फरमाते हैं कि बाज़ दूसरी रिवायत और इस रिवायत को जोड़ के अगर देखा जाए तो दो शख्स थे जो कुरैश की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक तरफ से हज़रत हमज़ा जो है कुरैश की सफ़ों में तहलका मचा रहे थे, और दूसरी तरफ से अबू दुजाना जो है कुरैश की सफ़ों में तहलका मचाते हुए और कुरैश की सफ़ों को चीरते हुए और कुफ्फारे कुरैश को कत्ल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो ज़ुबैर इब्न अल्अवाम फरमाते हैं कि अबू दुजाना जिससे भी मिलते उसकी गर्दन उतार देते। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि इस तलवार का, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तलवार का हक अदा कर दे, तो मैं देखना चाह रहा था कि इस तलवार का हक क्या है, प्रैक्टिकली मैं मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाह रहा था। तो मैं देख रहा था कि कुरैश में एक और शख्स है जो बहुत बहादुरी से लड़ रहा है और इधर से अबू दुजाना जो है बहुत बहादुरी से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये दुआ करता रहा कि अल्लाह ताला उस शख्स का मुकाबला अबू दुजाना से हो जाए, है ना। चुनांचे वो शख्स और अबू दुजाना आमने सामने हुए और अबू दुजाना ने लम्हों में उस शख्स का भी खात्मा कर दिया। तो इस तरीके से अबू जो है ज़ुबैर इब्न अल-अवाम ने समझ लिया कि क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अबू दुजाना को ये तलवार दी। ठीक है, और इब्तदाई तौर पे जिस तरह मुसलमानों ने कुरैश पे हमला किया और कुरैश की फ़ौजें तितर बितर हुई, तो जब उनके कदम उखड़ने लगे तो मुस्लिम फ़ौजें जो हैं, यानी अगर आप मैप को ध्यान से देखें अपने स्क्रीन पर, तो मुस्लिम फ़ौजें जो हैं ये पूरा हिस्सा कॉन्कर करते हुए, यानी इन सबको पीछे पुश करते हुए, यहाँ तक इनकी इन्फेंट्री वगैरह जो थी, इनके फ़ौजी थे, ये बहुत तितर बितर हो गए यहाँ, और इन्होंने भागना शुरू कर दिया और इधर से भागना शुरू किया। कुरैश का कैंप भी उखड़ गया और ये लोग इधर से भागने शुरू कर दिए और मुसलमान फ़ौजों ने इनका पीछा ताकुब किया। चुनांचे बरा इब्ने आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे याद है, उस वक्त कम उम्र थी, तो फरमाते हैं कि मुझे याद है कि उहद के दिन जब मुसलमानों को इब्तदाई फ़तह नसीब हुई तो कुरैश जो है वो, जिसको कहते हैं हमारे ज़बान में कि बिल्कुल यानी कि आँख कान बंद करके भाग रहे थे। यहाँ तक फरमाते हैं कि मुस्लिम फ़ौजें इतनी आगे तक पहुँच गई कि जो औरतों का खेमा था ना, उन्होंने वो लोग भी अपने खेमे को छोड़ के जो है वो पहाड़ियों पे चढ़ चढ़ के भाग रही थी। चुनांचे बराए इब्ने आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बुखारी की रवायत है, कि मुझे याद है कि उहद के दिन जो है मुसलमानों की इब्तदाई फ़तह के नतीजे में जब मुस्लिम अफवाज जो है ताकुब कर रही थी, पीछा कर रही थी कुरैश का, तो इतनी बुरी तरह भाग रहे थे कि उनके मर्द तो छोड़ ही दीजिए, उनकी औरतें भी जो है वो पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ के भाग रही थी। तो चुनांचे इससे समझ में आता है कि इब्तदान जो है मुसलमानों को बड़ी बेहतरीन फतह नसीब हुई और ये पूरा इलाका जो है इसमें, यानी कुरैश अपने सारे खेमे और माल गनीमत वगैरह छोड़ के भाग खड़े हुए और मुस्लिम फ़ौजें जो है इस पूरे इलाके में फैल गईं। ठीक है, और अभी तक ये जो तीरंदाज थे वो यहाँ पे तैनात थे। तो इंशाल्लाह ताला ये मैं आज, क्योंकि यानी इसके बाद के जो मराहिल हैं जंग के, उसमें बाज़ तब्दीलियाँ होंगी जंग में और बाज़ सूरत हाल तब्दील होंगी, तो इंशाल्लाह ताला उस कॉन्टेक्स्ट में हम नेक्स्ट जब भी लेक्चर हमारा होगा मोस्ट लाइकली 7 जुलाई को, तो बयान करेंगे। लेकिन अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जब मुसलमानों को इब्तदाई फ़तह नसीब होती है और कुरैश के लश्कर भाग खड़ा होता है और उनके फ्लैंक्स और बटालियंस तितर बितर हो जाते हैं, उनकी औरतों तक को भागने की ज़रूरत पेश आ जाती है, और अलबरा इब्ने आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु जो बुखारी की रवायत में बयान करते हैं कि इस तरीके से मुसलमानों को इब्तदा फ़तह नसीब हुई, और अबू दुजाना का रोल भी हमने पढ़ा, ज़ुबैर इब्ने अल-अवाम का रोल पढ़ा, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का रोल पढ़ा, ठीक है, फ्लैग बियरर्स जो कुरैश के थे उनका, उनके बारे में पढ़ा, बनू अब्दुद्दार के बारे में पढ़ा और किस तरह हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस पूरे कबीले का सफ़ाया तन्हा कर दिया। तो इस तरीके से जो इब्तदाई मुसलमानों को फ़तह नसीब होती है उहद के अंदर, ये उसका खाका था जो आपके सामने आ गया। इंशाअल्लाह ताला अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो 7 जुलाई को होगा। ये पूरे 45, मेरे ख्याल में 55 डेज़ का गैप है लगभग। तो उसके बाद हम जो है इस जंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारी तफसीलात जो हैं अभी बची हुई हैं, बल्कि जंग का मेजर पोर्शन तो अभी बचा हुआ है, और बहुत ही शुजात और बहुत ही बहादुरी और बहुत ही जाफिशानी और बहुत ही फनाइत के जज्बे के तहत सहाबा ने जो इस जंग में जंगें लड़ी हैं और उनके शुजात के जो वाक़ात हैं, उनके जो फिदाकाराना वाक़ात हैं, उनको हम बहुत तफसील से इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे जब दोबारा हम इसको शुरू करेंगे। तो आज इंशाअल्लाह ताला यहीं पे इस बात को ख़त्म करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने सीरत के अंदर पढ़ी हैं अल्लाह ताला उनको अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा ले,
और उनको हमारे गुनाहों से गुनाहों के माफ़ी का ज़रिया बनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ज़रिया बनाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात के हुसूल का ज़रिया बनाए, और ये चीज़ें हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात को यकीनी और वाजिब करने वाली हो जाएँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमारा सीना जो है मनव्वर और मुअत्तर हो जाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी और बातनी सुन्नतें हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो जाए इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इन आमाल को जो है हमें इखलास के साथ और अल्लाह ताला की रज़ा जोई की खातिर करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह के अलावा किसी और की ख्वाहिश, किसी और चीज़ की तलब और किसी और शख्स तारीफ़ का हुसूल जो है हमारा मकसद बिल्कुल ना बनाए, और हुसूल इल्म में हमेशा हमेशा जो है अल्लाह ताला की तवज्जुहात और अल्लाह ताला की रहमत को मरकूज़ करने का मकसद जो है वो हमारे जहनों में रहे इंशाअल्लाह ताला। तो यहीं पे हम जो है वो अपनी बात को ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर 7 जुलाई को होगा और हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आखिर दुआना वन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आप लोगों के सवाल जवाब ले लूँगा जो आज के टॉपिक से रिलेटेड होंगे।